तो जी सुबह का टाइम हो गया है और रात निकाल ली हमने यहाँ पे। बहुत अच्छा अच्छा क्या, 12 बजे तो एसी लगा था और उसके बाद यहाँ पे हुई है बारिश। और ये देखे सारे में खूब सारी घास उग रही है, ठंडा हो रहा मौसम बिल्कुल। मतलब गेट खोल दूँ ना तो बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ पे। तो जी देखिए यहाँ पे अभी भी जो है फैलारा सा फैला हुआ है। और प्यू के डैडी बोल रहे कि मुझे जाना है दुकान पे, तो मैं उन्हें कह रही मैं कह जो क्योंकि जो मेरे रखने का वो तो देखिए मैंने रख दिया है, लेकिन जिसमें 2 जनों की हेल्प लगेगी वो तो देखिए करवाना ही पड़ेगा। तो मैं इन्हें कोई बोली बल्कि ये नहा धो लिए, तो मैं कहा नहा धो तो ज़रूर लिए। और मेरा ये है क्योंकि मंदिर की सेटिंग दोपहर के बाद होगी, क्योंकि अंकल आंटी जो नीचे हैं वो भी नहीं यहाँ पे हैं, वो गए हैं कहीं, अंकल आंटी को थोड़ी दिक्कत थी। तो दोपहर तक तो यहीं रहना है, तो मैं ये सोच रही मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई सामान उठा के नहा धो के फिर मैं किचन में आज कुछ बना दूँगी। तो वही सोच रही मैं चले पहले फटाफट से जो सामान यहाँ से उठा कर रखने का है वो उठा के उसे सही जगह रख के, क्योंकि भले ही मैंने जितना मर्जी कर दिया लेकिन उसके बाद भी भरा भरा सा लग रहा सारा। तो चलिए जी बस फिर लगते हैं काम पे अपने। तो जी देखिए सुबह उठ के फिर से अपने काम पे जुट गई। दरअसल सुबह भी नहीं है, सुबह के टाइम तो पीओ के डैडी घूम आए थे और क्योंकि रात को हम लेट हो गए थे लेटने में, तो मुझे उन्होंने उठाया नहीं था सुबह की, चल लेट रही है लेटने थे। और उसके बाद ये नहा धो के जाने ही लग रहे थे, तो पहले मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग वगैरह का ही काम कर रही थी जब का ये वीडियो है। आज शुक्रवार का ही वीडियो है, लास्ट शुक्रवार का। तो ये फिर नहा धो के जाने लग रहे थे कि चलो मैंने कहा करवा दो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कुछ सामान उठाने भारी हैं, जो सरकाने के होते हैं वो तो मैं सरका ही देती हूँ, लेकिन जो उठा के ही रखने हैं वो मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन 2 जने लग के करते हैं तो हो जाता है। तो पहले तो वो सामान हटाया यहाँ से, वो जो कूड़ा रखा था बहुत सारा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा सामान निकाला था जो ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने निकाल दिया है। मैंने कहा इनको हर बार रख देती थी, मैंने कहा काम आ जाएगा काम आ जाएगा काम आ जाएगा, फिर भी नहीं आता था। और उसके बाद ये जो गेहूँ के कट्टे हैं गट्टे हैं, हाँ गेहूँ के गट्टे हैं ना ये इनको हम ऊपर रख के आएंगे। ये 2 बिना धुले हैं और 1 है धुला हुआ कट्टा इनमें। तो पहले मैंने कहा इनको ऊपर पोड़ियों में स्पेस है रखने का, तो टेबल पे करके ऊपर रख देंगे, क्योंकि जो छत है ना वहाँ पे गेहूँ धोने के लिए टंकी है ऊपर, और शायद आंटी हर भी ऊपर ही धो रहे होंगे। तो पहले हमने ये दूसरी टेबल पे रख दिया था, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि नहीं ये टेबल तो इन्वर्टर के लिए है, इन्वर्टर इस पर रखा जाएगा, इस वजह से फिर हमने इसको हटा दिया। तो जी देखिए कई दिन की लगातार मेहनत के बाद फाइनली जो है सामान अपनी अपनी जगह पे जाने लग रहा है। और बाकी जैसा कि मैं हमें अभी बोल ही रही हूँ कह भी रही हूँ इस चीज़ को कि जब मैं यूज करना शुरू करूँगी चीज़ों को, चाहे जैसे मैं किचन में काम करना शुरू करूँगी या रूम्स में कुछ भी करना शुरू करूँगी या बाहर उठना बैठना जैसा भी होगा, तो वो चीज़ें तब ही शिफ्ट होंगी, क्योंकि अभी तो मैंने रख दिया है वैसे ही कि यहाँ पे ये ठीक रहेगा, लेकिन बाद में ज़रूरत के हिसाब से जैसा भी सही लगेगा उसे मैं वैसे वहाँ शिफ्ट कर दूँगी। फिलहाल मेरा मेन फोकस जो है सिर्फ इस पे है कि कम से कम यहाँ बीच में से सामान हट जाए और वो उस जगह पे चला जाए जहाँ उसे रखना, उस जगह पे जाके उसे कैसे रखना है, किधर को मुंह करना, किधर को घुमाना, किधर को क्या करना, वो मैं बाद में करती रहूँगी आराम से। तो देखिए ये हमारा स्टोर रूम है, इसके सामने ही इसकी अपोजिट वॉशरूम है, 2 वॉशरूम है यहाँ पे। किसी दिन आपको अच्छे से प्रॉपर जब मैं पूरा घर सेट कर दूँगी बहुत अच्छे से तब आपको इसका होम टूर करवाऊँगी। तो ये माइक्रोवेव है, यूज है ही नहीं अभी इसका, क्योंकि स्लेप आपको पता ही है कितना छोटा है, अगर इसको वहाँ रख दूँगी तो स्पेस और कम हो जाएगा। हालांकि अंकल और बोल रहे थे कि जो स्लेप है वो बड़ा करवा देंगे वो, और उनका था भी करवाने का लेकिन शायद टाइम नहीं मिला या क्या रीज़न हुआ। तो अगर वो करवा देते हैं तो इसको उतार के ऊपर से फिर मैं रख लूँगी किचन में, नहीं तो फिर अपना चल ही रहा है काम, ऐसा तो है नहीं कि भाई काम चल ही नहीं रहा। और बाकी जो छोटे मोटे से सामान है, फ़ैन वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे, पहले सिर्फ एक रूम में फ़ैन नहीं था, तो एक फ़ैन छोड़ के बाकी हमने ऊपर ही रख दिया है उसमें जो स्टोरेज वाली जो अलमारियाँ सी हैं, और छोटे मोटे से जो हीटर हैं और इंडक्शन वगैरह है, 2-4 चीज़ें और हमने वहीं पे ही रख दी है। तो कोशिश हमारी ये है कि हम बाहर कम से कम सामान रखें ज़रूरत वाला, बाकी जिसकी कभी कभार ही ज़रूरत पड़ती है या पड़ती ही नहीं उसको हमने
रख दिया है ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे हीटर हुआ उसकी सर्दियों में ही ज़रूरत पड़ेगी, या फ़ैन वगैरह हुए अभी उनकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंकल हर ने लगवाए हुए ही हैं, तो वो हमने ऊपर रख दिया। ये गेहूँ जो धोए हुए थे इनको भी हमने स्टोर रूम में रख दिया। जो ये सामने वाली दीवार दिख रही है ना आपको, इसके जस्ट बैक स्टोर रूम है। तो देखिए गर्मी में बुरा हाल था, पसीना पसीना हो गया, तो ये सामान वगैरह रखने के बाद पीहू के डैडी जो है वो फिर से नहाए थे और मैं भी अपना झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं भी नहाई थी, क्योंकि आज मेरी कोशिश थी कि मैं कम से कम आज अपना किचन शुरू करूँ। देखिए इतने दिन हो गए थे उधर से खाना आते हुए, खुद को भी कई बार शर्म लगने लगती है कि भाई कितने दिन हो गए करते हुए या होते हुए, और मैं इसी वजह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि जैसे तैसे भी हो सके मैं फटाफट से शिफ्ट कर लूँ, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी काफ़ी टाइम मुझे लग गया। लेकिन आज ये था कि चाहे जो भी हो लेकिन मुझे किचन अपना जो है वो स्टार्ट करना है कैसे भी हो। तो इसीलिए हमने पहले मैंने यहाँ पे सारे में को झाड़ू वगैरह लगाई, फिर पोछा लगा दिया है जल्दी जल्दी करके, क्योंकि इतना तो देखिए एरिया नहीं है यहाँ पे पोछे का। और उसके बाद फिर हम दोनों नहाए धोए दोबारा, इसके डैडी भी दोबारा नहाए क्योंकि वैसे तो सुबह नहा लिए थे वो, लेकिन पसीना पसीना हो गए थे काम में। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी जो है वो लाइटिंग चेंज कर रहे, जो हमारी लाइटें हैं हम वो अपनी लगा रहे हैं, लाइटें लेके आए थे जो बड़ी उधर की ही, और जो अंकल वाली हैं जो अंकल ने लगा रखी है उनको हम यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए बस ये एक एक करके सारे रूम्स की चेंज कर रहे और मैं अपने बाकी सारे कामों में लग रही, जो बाहर में कर रही होंगी वो साफ़ सफाई का अपनी, क्योंकि वही जैसा मैंने बताया आज हम इस नए घर में अपने नए किचन का शुभारंभ करेंगे, कुछ सोचा है मिट्टी के साथ करेंगे। वैसे तो हवन वगैरह सोचा था लेकिन नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, समय पे जो हो जाए वो सबसे बेस्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी जैसे कि आप जानते हो शिफ्टिंग धीरे धीरे होने लग रही है, जो पहिया है वो धीरे धीरे पटरी पर चढ़ रहा है। तो आज देख के ऐसा लग गया था कि ट्रैक पे हम पहुंच गए हैं जहां पे हमें पहुंचना था, अब सीधे धीरे धीरे चलेंगे और बाद में पकड़ेंगे स्पीड। तो यहाँ पे आने से अगर एक तरीके से देखेंगे तो औरत की घर की जो भी शुरुआत होती है वो होती है रसोई के कामों से, और रसोई के कामों में सबसे पहले हर औरत ये सोचती है कि जब भी हम किसी घर में जाएं वहाँ पे ओपनिंग करें तो वहाँ पे एक छोटा सा एक मीठे के साथ में ज़रूर शुरुआत करें। प्रोग्राम तो हमारे काफ़ी कुछ थे कि हमन कराना है, ये कराना है, वो कराना है, तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है मीठे के साथ में, आज बना रही है इंदू हलवा। और यहाँ का ना मैं सुबह सैर करके आया हूँ तो बाहर का भी माहौल मैंने देखा है बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि अब तो रहना ही यहीं पे है तो यही आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पे रहते हैं, किस तरीके का यहाँ पे माहौल है, कैसी लोकेशन है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपको ऐसा माहौल मिलेगा देखने वाला ना, मतलब ये जो हुड्डा का सेक्टर है, अभी क्या है कि प्लाटिंग हो रही है, प्लाट ये सभी सेल हो गए, अब कोई रीसेल वाले हैं कोई मतलब अपने लिए बना रहे हैं, और आगे की साइड तो बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, धीरे धीरे इसमें कॉलोनी में काम लग रहा है। और इस साइड से हम आते हैं, उस साइड से हम आगे से आते हैं, और पीछे ना आज मैं सैर करने गया था पीछे पहाड़ी तक, काफ़ी 3-4 किलोमीटर देख के आया हूँ आगे, और रास्ते हैं ऐसे ही बिल्कुल जो खेतों के रास्ते होते हैं ना इस तरीके से पथरीले पथरीले, उन्हीं में को पानी पुनी चल रहा है जैसे बारिश हुई थी, तो उस तरीके के रास्ते हैं। बात करें इस रूम की तो रूम को देख के जो हमने यहाँ पे ये लिया है तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सही डिसीजन है कि ये जो हमने रूम लिया है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी बताएं कि हमने ये जो डिसीजन लिया है यहाँ पे पिंजौर से इतनी दूर और दुकान से इतनी दूर रहने का ये कैसा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है और कृष्णा का भी मन कर रहा है। जैसे पहली रात हमने यहाँ पे काटी है तो अच्छा महसूस हुआ, मतलब फर्स्ट क्लास नींद आई, एसी भी रात लगा के थे बेचारे, लेकिन जो वो है गत्ते गुत्ते करके सेट किया है वैसे नहीं सेट हुआ। तो यहाँ पे भी दिखा दूँ, तो मैं बैक साइड अभी लेके आएंगे साइकिल भी आपकी। ये है हमारा यहाँ पे फ्रंट का व्यू, ये देखिए इस तरीके से, मतलब कॉलोनी की बात करें तो पूरा काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये जैसे डिस्ट्रिक्ट जैसे पंचकुला है ना सेक्टर 6, 7, 10, 12 उस तरीके की यहाँ पे लोकेशन होगी जब यहाँ पे मॉल वगैरह बन जाएंगे, लेकिन हम तो रेंट पे हैं, क्या पता कब हमें अपना दाना पानी चेंज करना पड़ जाए, उठाना पड़ जाए फिर से सामान,
कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे जितना टाइम निकाले उसके बाद आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद हो और भगवान के ऐसा आशीर्वाद हो कि हम अपने ही घर में शिफ्ट करें। अब रोता नहीं, अब ना थक लिए, टूट लिए ना, इस बार तो बहुत ज्यादा, इस बार तो मन से भी टूट गया और वैसे भी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाला यहाँ पे हमें ठीक ठाक रखे और फिर उसके बाद आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों का सपोर्ट रहे, तो जल्दी एक हम अपने घर में भी शिफ्ट करेंगे। तो जी बातें तो बहुत होगी, 5-6 मिनट की होगी और यहाँ पे बन रहा है हलवा देसी घी का और रसोई की शुरुआत जैसे मैंने बताया था मिट्टे के साथ होने वाली है। गर्मी ठीक ठाक है, गर्मी आजकल सभी जगह है, तो सिन्ने आ गए मुझे भी और इंद्र। तो जी देखिए यहाँ मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया है, आपको पता ही है कैसे बनाती हूँ तो डिटेल में नहीं जाऊँगी। और वैसे मैं जैसे मैं बता रही थी कि हवन का सोचा था हमने पहले, हमारा बनानी अंक उन्होंने जो पंडित जी है उन्होंने 3-4 दिन बताए थे हफ्ते के कि इस दिन करा लो, लेकिन उन्हीं दिनों में शिफ्टिंग का काम ऐसा हो रखा था कि टाइम ही नहीं मिला कि हवन वगैरह हो जाए, या फिर पंडित जी बोल रहे थे कि सुबह ही 8 बजे करवाओ, उसके बाद अपने उनके और काम थे कहीं शादी वगैरह या कैसे, तो उस टाइम तो पॉसिबल नहीं हो पाना था, देखिए बच्चे हैं सारा कुछ देखना पड़ता है। तो फिर पीयू के डैडी भी कहने लगे कि चलो भाई हिंदू अपना भगवान को हाथ जोड़ते हैं, भगवान जैसे भगवान को देखिए हम सोचते बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फाइनली होता तो वही है जो भगवान ने सोचा हुआ है, तो नहीं हो पाया इतने। जब मेरा पहले दिन जिस दिन हमने सोचा था कि हम करवाएंगे हवन, उसी दिन रात को मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब ही नहीं बनता था, और अब इनमें इतना टाइम लग गया। तो देखिए सारे ये जो काम होते हैं भगवान के करने के ही होते हैं, हम तो सिर्फ एक जरिया होते हैं उन चीज़ों को करने का, बाकी मर्जी तो उन्हीं की होती है, अब उनकी मर्जी नहीं थी तो नहीं हुआ, फिर भी अगर हम उस चीज़ को लेके बैठते तो शायद काम नहीं हो पाते। फिर हमने सोचा कि चले भाई भगवान का नाम लेके अपनी रसोई का शुभारम्भ करते हैं, तो पहले वही है कि कुछ मीठा बनाया जाए, तो हमने मैंने हलवा बना दिया था, तो मैं रोटी ही सेक रही थी, पीयू के डैडी बोल रहे थे पहले मुझे कि हिंदू तो रोटी सेक दे और मैं रोटी सेक दे और हलवा और मतलब मैं चटनी वगैरह के साथ खा लेंगे, लेकिन जो कृष्णा है वो परेशान हो रहा था आलू की सब्जी के लिए, हमारे कृष्णा को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो फिर इसके डैडी कहने लगे कि चल तू रोटी बना दे फटाफट से, मैं सब्जी छोंक देता हूँ, काट तो मैंने नहीं दी थी, मैंने कहा चल बना ही देती हूँ, तो ये कहने लगी कि चल इंदु तू रोटी बना दे मैं फटाफट सब्जी छोंक देता हूँ, तो मैं कहा चलिए जी दोनों हेल्प हो जाएगी। और क्योंकि भगवान जी की मूर्तियाँ भी हमने वहाँ पे मंदिर में नहीं लगाई थी तब तक भी, और आए भी नहीं थे हमारे भगवान जी उधर से अभी तक भी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सामान में नहीं गिन सकते, उनको प्रॉपर जैसे हमें लाना होता है वो वैसे ही लाई जाएंगी, तो वो अभी वहीं पे ही थे। हालांकि मुझसे अभी तक उस वाले मकान की सफाई भी नहीं हुई, क्योंकि जब से मैं इधर आई थी मुझे यहाँ से टाइम ही नहीं मिला वहाँ जाके सफाई करने का, कुछ सामान जो है वो कई दिनों में आया वहाँ से, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में उठा ले सामान, 3-4 दिन करके आया। तो फिर देखिए कोई बात नहीं, हमने फिर खाना खाया और गाय के लिए हमने रोटी निकाल दी थी क्योंकि भगवान जी नहीं थे, तो गाय के लिए रोटी निकाल के दो, उस पर हमने हलवा रख दिया था, और यहाँ पे जो हलवा बचा हुआ था वो मैंने सारा उधर भिजवा दिया था। मैंने कहा भाई देखिए हमारे लिए तो प्रसाद ही है, अपने नए घर की नई रसोई है, और चाहे किराए का है जी चाहे कैसा है मेरे लिए तो नया ही है, बाकी भगवान की है ऊपर, तो देखिए बस यहाँ पे ये लोग चल दिए हैं हलवा लेके और बस मैं अपने बाकी के काम में लग जाऊँगी। तो जी पीहू के डैडी और कृष्णा चले गए हैं और अब बची हुई यहाँ पे मैं अकेली, तो शाम को वो आएंगे जब तीनों बच्चों को लेके आएंगे, और अभी बस मेरा जो है वो बचा हुआ है किचन का काम बच गया मेरा, ये देखिए, और ये हैं बर्तन, ये ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे बर्तन है जो रखने के कंटेनर है ना, तो वो भी मैं धोकर रखूँगी, और अभी ये वाली चीज़ें लगी नहीं है, तो उन्हें बोला तो मैंने आज मैं कहने कह के लगवा दो, तो कह रहे थे वो लगवा दूँगा, तो बस पहले मैं अब किचन का काम कर लूँ उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी।